नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। केजी के महाविद्यालय में स्थापना दिवस पर हुआ कवि सम्मेलन का आयोजन। मुरादाबाद में मंगलवार को लाइन पार स्थित केजी के महाविद्यालय में स्थापना की हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कारेंद्र सिंह त्यागी उर्फ मक्खन मुरादाबादी ने की, तथा मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुदीश पचौरी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर प्रमोद कुमार तिवारी तथा विवेक भटनागर ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सुनील चौधरी तथा मंचस्थ अतिथियों द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। कवि सम्मेलन में हेमा तिवारी भट्ट ने अपने दोहों के माध्यम से बसंत का गुणगान किया। वहीं राजीव प्रखर ने कहा कि बसंती मृदुगान से समा बांधा। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपने गीतों के माध्यम से कहा, पुष्प महके हर तरफ उपवन बसंत हो गया। योगेंद्र वर्मा व्योम ने अपने दोहों में खुशियों पर रोशनी डाली। डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज ने अपनी कविताओं से दर्शकों का मन मोह लिया। प्रोफेसर ममता सिंह ने अपनी बाल कविता बचपन की याद के माध्यम से कहा, कहाँ खो गया प्यारा बचपन, मिल जाए याद कहीं बताना। मक्खन मुरादाबादी ने राजनीतिक व्यंग्य के माध्यम से कहा, सत्ता में जब तक रहे लगा सभी कुछ ठीक, अब सत्ता को कोसने स्वयं भटक कर लीक। गणमान्य कवियों के साथ ही कार्यक्रम में विवेक भटनागर, प्रोफेसर मीरा कश्यप, डॉक्टर विनीता रानी, डॉक्टर विनय कुमार तिवारी द्वारा काव्य पाठ किया गया। कार्यक्रम का संचालन गोविंद राज नौनियाल तथा प्रोफेसर ममता रानी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संयोजक प्रोफेसर चंद्रभान सिंह यादव, प्रोफेसर अनिल चौहान, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी, डॉक्टर सुशील यादव रागदेव, प्रोफेसर मीनू बिश्नोई आदि भारी संख्या में अतिथि गण मौजूद रहे। मतलब जिस चीज का हमें कहीं मिलेगा नहीं ज्ञान, वहाँ पर उनकी लाइब्रेरी में हमें जाकर उस संग्रह से हमें पता चल सकता है मुरादाबाद और मुरादाबाद की विरासत के बारे में। तो मैं इन पंक्तियों से उनको बुला रही हूँ। मंजिलें मिल जाएंगी बस तुम सतत चलते रहो, मंजिलें मिल जाएंगी बस तुम सतत चलते रहो, मिट अंधेरा जाएगा तुम दीप बन चलते रहो। दीवारों से और बीत गए कितने ही वर्ष, हाथों पे लिए डिग्रियां, कितनी ही बार जली आशाओं की अर्थियां, और आवेदन पत्र अब लगते तेज कटारों से, डर लगता है मुझको अब घर की दीवारों से। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह यादव, प्रोफेसर हिंदी डिपार्टमेंट, केजी के पीजी कॉलेज मुरादाबाद। कवि सम्मेलन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? एक कवि सम्मेलन चल रहा है केजी के कॉलेज के 75 वर्ष पूर्ण होने पर, और यह बड़ी खुशी की बात है कि आज़ादी का भी 75 वर्ष पूर्ण हो रहा है, केजी के कॉलेज का भी पूर्ण हो रहा है,
और इस अवसर पर कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें सुधीश पचौरी जी मीडिया विश्लेषक, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष हिंदी डिपार्टमेंट के, और उसके बाद वहाँ वो डीन भी रह चुके हैं, आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय अहमदाबाद से प्रोफेसर प्रमोद कुमार तिवारी जी, और इस कार्यक्रम की कवि गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं मक्खन मुरादाबादी जी। इसमें जो कविताएँ सुनाई जा रही हैं जो राष्ट्रीय महत्व की हैं, सामाजिक संदर्भों से जुड़ी हैं, उसमें शिक्षा व्यवस्था की अच्छाइयाँ और उसकी कमजोरियों दोनों का विश्लेषण हो रहा है। इससे गोष्ठी से निश्चित तौर पर कॉलेज को एक नई और नई दिशा मिलेगी और एक नई दशा प्राप्त होगी तथा छात्रों का उत्साहवर्धन होगा, वे कुछ क्रिएटिव सोचेंगे, वो भी कुछ लिखना चाहेंगे जिस तरह से कवि बोल रहे हैं, उनसे उनको प्रेरणा भी मिलेगी।